अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं ये 10 मरला घर बहरिया टाउन लाहौर में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं मॉडर्न डिज़ाइन में इसका फ्रंट एलिवेशन बनाया गया। ये इसका स्ट्रीट व्यू है, 40 फीट रोड पे मौजूद है और आप देख सकते हैं ये चारों तरफ इसके घर बने हुए हैं। 12 ब्लॉक में ये मौजूद है और ये आपको बिल्कुल सामने कमर्शियल नज़र आ रहे होंगे, यानी कि मेन रोड के बिल्कुल करीब है। ये पार्क कमर्शियल मार्केट जो मेन रोड है तलवार चौक वाला जिस पे मौजूद है तलवार चौक या ग्रैंड मस्जिद, ये डायरेक्ट उस रोड को अप्रोच कर रहा है ये रोड। ये आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन में ये वुडन डिज़ाइन में टाइल यूज़ की गई है और वाइट कलर में और ग्रे कलर का इसे रॉक वॉल किया गया। ये आपको राइट साइड पर जो विंडो नज़र आ रही है ये इसके फर्स्ट फ्लोर के ये इसके फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम की विंडो है और ये लेफ्ट साइड पे ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ग्लास नज़र आ रहा है। ये इसका टेरेस डिज़ाइन है और इसके टेरेस स्पेस को जो है कवर्ड किया गया प्रॉपर, बड़ा खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन है। ये इसके फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है, आप देख सकते हैं इसमें टाइल वर्क हुआ है, वुडन डिज़ाइन में टाइल यूज़ की गई है, रॉक वॉल यूज़ किया गया है और ये इसका आउटर लॉन है। ये प्लांट वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है, बड़ा खूबसूरत जो है इसका आउटर लॉन जो है तैयार किया गया। ये इसका मेन डोर है, मेन डोर आप देख सकते हैं आयरन रोड में इसे तैयार किया गया, ब्लैक और गोल्डन कलर में इसे पेंट किया गया, बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये इसका रैंप है, रैंप और पोर्च में आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर की कम्बिनेशन में 2x2 की टाइल यूज़ की गई है। ये इसके पोर्च का व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी 2 बड़ी गाड़ियाँ ईजिली यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं वॉल कंप्लीट जो है इसे डिज़ाइन किया गया है, मोज़ेक वर्क हुआ है, इसमें स्टोन यूज़ किया गया है, आर्टिफिशियल ग्लास यूज़ किया गया है। इसके बाद इसमें प्लांट वगैरह इसमें इंस्टॉल है और ये इस वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए मोज़ेक वर्क हुआ है इसमें और ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लिखा गया है, बड़ा खूबसूरत जो ये व्यू दे रहा है। ये इसके पोर्च का सीलिंग डिज़ाइन है, बड़ा खूबसूरत और सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है, वुडन वर्क हुआ है इसमें, फ़ैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है। ये बिल्कुल फ्रंट पे इसका मेन डोर है, आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत इस डोर का डिज़ाइन है, सॉलिड वुड में ये तैयार किया गया येलो पाइन में और बड़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग है। और ये राइट साइड पर आप देख सकते हैं मोज़ेक वर्क हुआ है वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए, ये वुडन वर्क हुआ है सीलिंग डिज़ाइन में। ये आप देख सकते हैं ये सिटिंग के लिए यहाँ पे बेंच दिया गया है, प्लांट वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है। ये वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए डेकोर किया गया आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल के साथ। ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है। ये ड्राइंग रूम में ओपन होगी अंदर से, बाहर से इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। ये ऊपर आप देख सकते हैं ये विंडो दी गई है, ये फर्स्ट फ्लोर की इसके बेडरूम की विंडो है। ये इसका टेरेस डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं इसकी टेरेस पे इसको प्रॉपर कवर किया गया है इस तरह। ये इसका मेन डोर है, मेन डोर से हम इंटर होंगे और ये आप देख सकते हैं ये स्टेप पे जेट ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया, लाइट्स इसमें यूज़ की गई हैं। ये इस डोर का डिज़ाइन है, हाइटेड डोर इसमें यूज़ किया गया, तमाम घर में जो डोर हैं वो सॉलिड वुड में बने हुए हैं। ये इसकी लॉबी है, लॉबी में आप देख सकते हैं ग्राउंड में 2x4 की टाइल यूज़ की गई है और हमारे फ्रंट पे बिल्कुल ये इसका लिविंग एरिया का मेन डोर है और राइट साइड पे ये डोर दिया गया ड्राइंग रूम का और ये लेफ्ट साइड पे ये स्टेयर्स दी गई हैं। ये इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर रही हैं, इसमें जेट ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है और वुडन स्टेयर्स ये यूज़ की गई आप देख सकते हैं और ये पाउडर रूम दिया गया। ये आप देख सकते हैं एग्जास्ट सिंक कमोड वगैरह इसमें इंस्टॉल है और नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक टाइल वर्क किया गया और इसके ये आप देख सकते हैं सॉलिड वुड में जो है इसका डोर तैयार किया गया। ये इस लॉबी का सीलिंग डिज़ाइन है, वुडन वर्क हुआ है इसमें, ग्लो वगैरह इसमें इंस्टॉल है। ये इसके ड्राइंग रूम के डोर का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं इसमें ग्लास वर्क हुआ है, वुडन वर्क हुआ है। ये ड्राइंग रूम के डोर से हम इंटर होंगे, ये आप देख सकते हैं ये ड्राइंग रूम की फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है, वुडन वर्क हुआ है इसमें, टाइल वर्क हुआ है, फायर प्लेस दी गई है, खूबसूरत सेंट्रल इसमें यूज़ किए गए हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सिंपल और खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फ़ैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है। ये आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, बड़ी अच्छी घर में कलर कम्बिनेशन है। नीचे ग्राउंड पे सेम 2x4 की टाइल यूज़ की गई है
और ये हमारे राइट साइड पे विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं ग्लोव वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल हैं। सॉलिड घर बना हुआ है, ये बड़ी अच्छी कलर कम्बिनेशन है इसमें। ये आप देख सकते हैं कि हमारे बिल्कुल सामने ये इसका लिविंग एरिया है, और ये ड्राइंग रूम को लिविंग एरिया से प्रॉपर सेपरेट किया गया है। कंप्लीट वॉल में वुडन वर्क हुआ है, ग्लास इसमें यूज़ किया गया है। ये अब हम इसके लिविंग एरिया में आगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है। ये बिल्कुल फ्रंट पे इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, पोशिश किया गया, इसे मिरर इसमें यूज़ किया गया है, वुडन वर्क हुआ है इसमें। और ये इसकी फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है, आप देख सकते हैं वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया है, ग्लोव वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल हैं, ये फायर प्लेस दी गई है, टाइल वर्क हुआ है, और बड़ी खूबसूरत ये फ्रेम शेप में मोज़ेक वर्क हुआ है, पुरानी आइट लिखी गई, बड़ा खूबसूरत ये व्यू दे रहे हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सीलिंग डिज़ाइन में आप देख सकते हैं ये वुडन वर्क हुआ है इसमें, ग्लास यूज़ किया गया है, फैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है, खूबसूरत शैंडल इसमें यूज़ किए गए हैं। ये हमारे बिल्कुल फ्रंट पे ये इसकी किचन स्पेस दी गई है, और नीचे ये दो बेडरूम दिए गए हैं। ये फर्स्ट बेडरूम का डोर है, ये सेकंड बेडरूम का डोर है इस तरह। तो पहले हम ये किचन इसका विजिट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कंप्लीट लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में सेम इसी साइज़ की और इसी कलर की टाइल यूज़ की गई है, किचन में भी। ये इसके किचन का व्यू है, आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत कलर है इसमें शीट का, जो कबर्ड में यूज़ की गई है, और काफ़ी वाइडर स्पेस है। बर्नर हुड वगैरह इसमें इंस्टॉल है, सिंक, ये सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, ये इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी, ये एग्जास्ट दिया गया, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, खूबसूरत शैंडल यहाँ पे इंस्टॉल है, माइक्रो ओवन यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इसका व्यू है कम्प्लीट। ये हम वापस आ गए हमें इसके लिविंग एरिया में। ये इसकी लॉबी है, सामने मेन डोर है, ये हमने विजिट कर लिया हुआ है। ये अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद है, मैं आपको इसका व्यू दे देता हूँ कंप्लीट इसका लिविंग एरिया का। ये आप देख सकते हैं काफ़ी वाइडर लुक दे रहा है, बड़ी अच्छी अकोमोडेशन है घर की। ये लिविंग एरिया का ये दूसरी तरफ से इसका व्यू है, ये सामने ड्राइंग रूम है। तो अभी हम इसका बेडरूम विजिट कर लेते हैं। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, पहले हम ये विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, ये इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है, ये इसकी बैक साइड की वॉल डिज़ाइन की गई है। आप देख सकते हैं वुडन वर्क हुआ है इसमें, वॉलपेपर यूज़ किया गया है, ग्लोव वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फ़ैन इसमें इंस्टॉल है, सिंपल और ख़ूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये बेड साइड वॉल के बिल्कुल सामने ये मीडिया वॉल दी गई और कबर्ड स्पेस दी गई है। ये आपको डोर का डिज़ाइन भी नज़र आ रहा होगा। ये इसका वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर की कॉम्बिनेशन में टाइल यूज़ की गई है वॉशरूम में, बड़ा अच्छा इसका कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, ये इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी, एग्जास्ट, शावर सेट, कमोड, सिंक, मिरर, लाइट्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये इस बेडरूम का कंप्लीट व्यू है, ये हम वापस आ गए हमें इसके लिविंग एरिया में। इसके साथ ये सेकंड बेडरूम दिया गया, ये अभी हम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत इसकी बेड साइड वॉल डिज़ाइन की गई है, फ्रेम शेप में इसमें फ्लावर डिज़ाइन में वॉलपेपर यूज़ किया गया, ग्लोव यहाँ पे इंस्टॉल है, बड़ा अच्छा कलर कम्बिनेशन बन रहा है इसका टाइल के साथ। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, वुडन वर्क हुआ है इसमें, सिंपल सीलिंग डिज़ाइन है इसका, फ़ैन इसमें इंस्टॉल है, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, ये इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई है, और ये बेड साइड वॉल के बिल्कुल सामने ये LED पॉइंट दिया गया, मीडिया वॉल दी गई है, ये कवर्ड स्पेस दी गई। ये इसका वॉशरूम है, आप देख सकते हैं वॉशरूम में बाथ टब यूज किया गया, शावर सेट इसमें इंस्टॉल है,
ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल है, मिरर सिंक, ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत व्यू है, कमोड वगैरह इसमें इंस्टॉल है। मास्टर साइज में ये वॉशरूम दिया गया और ये इस वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए आप देख सकते हैं लाइट्स दी गई, ये वेंटिलेशन की विंडो दी गई, इसकी साइड कल की तरफ अपना एग्जॉस्ट दिया गया इसमें इस तरह। ये इस बेडरूम का व्यू है कंप्लीट। ये ग्राउंड फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हुए हैं, ये दो बेडरूम दिए गए हैं जो अभी हमने विजिट किए हैं, हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं अभी। ये सामने ड्राइंग रूम दिया गया है और लिविंग एरिया में ये किचन स्पेस दी गई है। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं, उसके लिए ये हम इसके वापस इसकी लॉबी में आ गए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्टेज दी गई हैं, वुडन स्टेज दी गई हैं और स्टेप पे ये जेट ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया और सामने ये वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए मिरर यूज़ किया गया और ये वुडन डिज़ाइन इसमें आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत ये व्यू दे रहा है। लाइट्स इसमें यूज़ की गई हैं, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है इसमें, ये बाइस इसके टेरेस की तरफ ओपन होगी, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है। ये हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हुए हैं इसकी लॉबी में, ये आप देख सकते हैं ये राइट साइड पे ये टेरेस का डोर दिया गया और ये विंडो है टेरेस की इस तरह। ये इसके लॉबी के फ्रंट वॉल डिजाइन की गई आप देख सकते हैं खूबसूरत वॉलपेपर इसमें यूज किया गया। ये इसका सीलिंग डिजाइन है आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत इसका सीलिंग डिजाइन है, वुडन वर्क हुआ है इसमें, लाइट्स दी गई हैं, बड़ा खूबसूरत व्यू दे रहे हैं। ये इसका मेन डोर है लिविंग एरिया का, ये आप देख सकते हैं हाइटेड डोर जो है यूज़ किए गए इसमें और ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है फर्स्ट फ्लोर पे। ये आप देख सकते हैं ये इसके फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है फ्रेम शेप में, मिरर इसमें यूज़ किया गया, वुडन वर्क हुआ है, लाइट्स दी गई हैं और ये नीचे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी ये 2x4 की सेम जो है डिज़ाइनिंग मटेरियल यूज़ की गई है ग्राउंड फ्लोर की तरह और ये इसकी फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है लिविंग एरिया की। आप देख सकते हैं खूबसूरत वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया, ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है और ये टाइल वर्क हुआ है इसमें। नीचे ये आप देख सकते हैं फायर प्लेस दी की है और ये इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है लिविंग एरिया की, टीवी लॉन्च की फर्स्ट फ्लोर पे। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत इसका ये सीलिंग डिज़ाइन है, शैंडल इसमें यूज़ किए गए हैं खूबसूरत। और ये हमारे राइट साइड पर ये बेडरूम दिया गया है, ये इसके फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का बेडरूम है और ये दो बेडरूम दिए गए हैं लिविंग एरिया के साथ, ये ऊपर 3 बेडरूम दिए गए हैं, नीचे इसके 2 बेडरूम हैं इस तरह। ये लिविंग एरिया के साथ बिल्कुल फ्रंट पे आप देख सकते हैं ये किचन स्पेस दी गई है और इसे किचन स्पेस को सेपरेट किया गया, ये वुडन वर्क हुआ है इसमें कंप्लीट और ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत जो है इसमें डिजाइन कलर यूज़ किया गया कबर्ड में। सिंक बर्नर हुड इसमें इंस्टॉल है, ये ग्लोब दिया गया खूबसूरत, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है इसमें, ये इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी इस तरह। ये हम वापस आ गए हम इसके लिविंग एरिया में, ये मैं आपको इसके हॉल का व्यू दे देता हूँ एक कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं काफ़ी वाइडर लुक दे रहा है ये। अभी हम इसका ये बेडरूम विजिट कर लेते हैं, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, ये इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, इसका फ़ैन इसमें इंस्टॉल है और ये इसकी बेड साइड की वॉल डिज़ाइन की गई आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत जो है इसमें वॉल पेपर यूज़ किया गया, ये मोबाइल थीम की तरह व्यू दे रहा है बड़ा खूबसूरत, ग्लोब इसमें इंस्टॉल है और ये बेड साइड वॉल के बिल्कुल सामने ये LED पॉइंट दिया गया और कवर स्पेस दी गई है। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक ये टाइल यूज़ की गई है, सिंक मिरर कमोड वगैरह इसमें इंस्टॉल है, डिफरेंट कलर की कम्बिनेशन में टाइल यूज़ की गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, शावर सेट इसमें इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं शावर पेपर इसमें यूज़ किया गया। ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन की, इसकी बैक वाली की तरफ ओपन होगी,
इसके बेडरूम का कंप्लीट व्यू है। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। इसके साथ ये सेकंड बेडरूम का डोर है, ये हम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये इसकी साइड गली की तरफ ओपन हो रही है। ग्लोव वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है, सेफ्टी ग्लिल इसमें यूज़ की गई। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। फैन इसमें इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं। ये इसके बेड साइड की वॉल डिज़ाइन की गई है, वुडन वर्क हुआ है इसमें कम्प्लीट। मिरर यूज़ किया गया है। और ये बेड साइड वॉल के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये कवर्ड स्पेस दी गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये इसका वॉशरूम है, आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत। इसमें खूबसूरत कलर की टाइल यूज़ की गई है डिज़ाइनिंग वाली। इसमें शावर सेट इसमें इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं। ये मिरर सिंक कमोड वगैरह इसमें इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पे से ऊपर छत तक ये टाइल यूज़ की गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी। ये इस बेडरूम का कंप्लीट व्यू है। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। ये दो बेडरूम हम विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। ये बिल्कुल सामने किचन स्पेस दी गई है। ये इसकी लॉबी की, ये लिविंग एरिया की मेन एंट्रेंस है लॉबी से। और ये इसका थर्ड बेडरूम है। ये इसकी फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का बेडरूम है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है। बालकोनी के लिए स्पेस यहाँ पर मौजूद है। ये सामने से इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो गई है विंडो इस तरह। ये इसके बेड साइड की वॉल डिज़ाइन की गई है, आप देख सकते हैं फ्रेम शेप में। इसमें वॉलपेपर यूज़ किया गया, ग्लोव वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, बड़ा अच्छा कलर कम्बिनेशन है इसका। ये आप देख सकते हैं लाइट कलर यूज़ किए गए इसमें। फैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है। ये मीडिया वॉल दी गई है बेड साइड वॉल के बिल्कुल सामने। एलईडी पॉइंट दिया गया। और ये इसकी कवर्ड स्पेस है, ये आप देख सकते हैं। इस विंडो से आप स्ट्रीट व्यू ले सकते हैं। ये बालकनी स्पेस दी गई है बाहर। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में आप देख सकते हैं ये बड़े खूबसूरत कलर की जो है टाइल यूज़ की गई है। शावर सेट कमोड सिंक मिरर एग्जास्ट इसमें स्टोर है। ये वेंटिलेशन की विंडो दी गई है। ये इसके टेरेस की तरफ ओपन होगी इस तरह। ये इसके बेडरूम का व्यू है कंप्लीट। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। ऊपर ये तीन बेडरूम दिए गए, हमने विजिट कर लिए हैं। ये फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का बेडरूम है। ये किचन स्पेस है, ये दो बेडरूम ये इस तरह है। अभी हम इसका टेरेस विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत इसका टेरेस डिज़ाइन है। ये बेंच दिया गया यहाँ पर सिटिंग के लिए। और डिफरेंट कलर की कम्बिनेशन में टाइल यूज़ की गई है इसमें। ये बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। लाइट्स दी गई और प्रॉपर इसे कवर्ड किया गया है, इसकी टेरेस स्पेस को इस तरह। ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। ये वॉशरूम की विंडो है जो फ्रंट एलिवेशन वाली साइड पे बेडरूम है उसके। ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसकी छत और मल्टी विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्टेप में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। ये मल्टी में हम देख सकते हैं प्रॉपर एक सर्वेंट रूम स्पेस मैनेज की गई है। ग्राउंड पे ये मार्बल यूज़ किया गया है। जिसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है मल्टी में। ये छत पे आप देख सकते हैं ऊपर ये मार्बल लगाया गया। और आप देख सकते हैं ये ड्वेल ब्लॉक है, चारों तरफ घर बने हुए हैं। बड़ा अच्छा ही घर बना हुआ है। एलिवेशन बड़ा खूबसूरत है इसका और कलर कम्बिनेशन बड़ी अच्छी है। सॉलिड वर्क हुआ है इसमें, डेवलप ब्लॉक में मौजूद है। लोकेशन भी आइडियल लोकेशन पे ये मौजूद है। इस घर की डिमांड 450 की डिमांड कर रहे हैं। तो जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।